सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट अब तक को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। सूर्य कुमार हार्दिक पंड्या की बल्ले बल्ले, नए साल से पहले ही मिला तोहफा, दोनों का बम्पर प्रमोशन। साल 2022 को जाने और 2023 को आने में कुछ ही दिन बाकी है, मगर उससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को नए साल का एक शानदार तोहफा मिला है। नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली श्रीलंका सीरीज के लिए दोनों प्लेयर्स का प्रमोशन हुआ है। दरअसल हार्दिक पंड्या को T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि इसी सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को उपकप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ अब दोनों ही प्लेयर अपनी एक अलग और नई भूमिका में नजर आएंगे, जबकि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तानी संभालते नजर आएंगे, जबकि इस फॉर्मेट में हार्दिक पंड्या को उप कप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में यह श्रीलंका सीरीज पंड्या के लिए काफी अहम हो जाती है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वनडे टीम में सूर्य कुमार को भी बतौर प्लेयर चुना गया है। हार्दिक पंड्या का T20 इंटरनेशनल में जीत का रिकॉर्ड 100% है। उन्होंने अब तक बतौर कप्तान 5 मैचों में टीम की कप्तानी की है और सभी में टीम इंडिया को जीत मिली है। एक मैच में टीम ने टाई होने के बाद भी जीता है। वे वनडे में अब तक बतौर कप्तान नहीं उतरे है, लेकिन उप कप्तानी का मतलब है कि आने वाले समय में उन्हें वनडे टीम की कमान भी दी जा सकती है। बता दें कि अब तक हार्दिक पंड्या ने 5 T20 मैचों की कप्तानी की है, इसमें 4 जीते और 1 टाई रहा था। उस दौरान हार्दिक की कप्तानी में भारतीय टीम ने आयरलैंड और वेस्ट इंडीज को सीरीज में हराया है। हार्दिक ने अपनी कप्तानी में ही IPL की नई टीम गुजरात टाइटंस को 2022 सीजन में चैंपियन बनाया है। इस ऑलराउंडर ने अब तक वनडे या टेस्ट में कप्तानी नहीं की है, मगर श्रीलंका सीरीज में हार्दिक को उप कप्तान बनाया जाना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले टाइम में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तानी सौंपी जा सकती है।